स्वर्यस्य तस्मै जेष्ठाय ब्रह्मणे नमः आदरणीय आर्य सज्जनों पूजा माताजी मातृशक्ति अभी कौशिक जी ने सबसे पहले प्रणवत ध्वनि की ओम के जप का विधान योग दर्शन में है और कई संप्रदायों में इस नाम की बड़ी महत्ता है कई संप्रदायों में महर्षि भगवान मनु ने मनुस्मृति में व्याहृति सहित गायत्री मंत्र के जप की महत्ता बताई योगदर्शनकार ने प्रणव के जप की महत्ता बताई रामायण में श्री राम को परम जप की परम जप करते हुए बताया है कि वो परम जप किया करते थे यह नहीं लिखा कि वो परम जप क्या था लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण से पहले मनुस्मृति ही धर्मशास्त्र था तो परम जप गायत्री मंत्र हो सकता है लेकिन ओम क्रतो क्रतोस्मरण वहां वो वेद का यजुर्वेद का जो मंत्र है तो वहां ओम का भी ग्रहण किया जा सकता है गुरुवर दंडी विजान जी महाराज वो गायत्री मंत्र का जप किया करते थे अधिक महर्षिदानंद जी की जीवनी में भी देखेंगे तो कोई भी उनके पास आता था तो सबसे पहले पूछते क्या गायत्री आती है नहीं आता तो वो लिख के दिया कर अपने हाथों से लिखा करते थे और कहा करते थे इसका जप करो सौ बार जप करो हजार बार जप करो ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में अध्याय प्रारंभ होने से पहले विश्वान्ध देव इस मंत्र को लिया है तो बड़ी समस्या आ जाती है कि फिर कौन सा मंत्र का जाप ठीक रहे विश्वानंद ऋषि आनंद का प्रिय मंत्र था गायत्री मंत्र भगवान मनु से लेके महर्षि दयानंद जी विरजानंद जी तक और योग दर्शन में ओम और ओम के जप का भी विधान इस प्रकार किया कि उसके अर्थ की भावना के साथ ऐसे जप का कोई विधान नहीं है और कोई लाभ भी नहीं है समय नष्ट करना अवश्य तो ओम के ओम ईश्वर का मुख्य नाम है ऐसा सभी कहते हैं सभी नहीं तो आर्य समाजी तो कहते ही क्यों ही ईश्वर का मुख्य नाम हो क्या इस पर हमने विचार किया अगर ये पूछेंगे तो प्राय उत्तर दिया जाएगा वेद में इसके जप का विधान ओम क्रतो स्मर और किसी नाम के जप का विधान नहीं है शास्त्रों में भी किसी भी और नाम के जप का विधान नहीं है आर्स ग्रंथों में तो ओम नमे शिवाय एक शैवों का मंत्र हो सकता है वैसे नमस्कार मंत्र में भी है लेकिन जब की दृष्टि से किसी भी आर्स ग्रंथ में ओम और गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और किसी मंत्र के जप का कहीं विधान पढ़ने में नहीं आया उदगीत उपनिषदों में ओम का दूसरा नाम उदगीत दिया है उदगीत और प्रणव ये तीनों पर्यायवाची हैं। लेकिन इन तीनों में भी मुख्य ओम है सत्यार्थ प्रकाश में जो गौण नाम दिए हैं शिव ब्रह्मा विष्णु गणेश महेश ये सब ईश्वर के नाम है लेकिन ओम को निज नाम बताया है ऐसा क्यों है कि ओम निज नाम है इसके अर्थ भी महर्षि नारंद जी ने नौ दिए हैं सत्यारह प्रकाश के पहले समोल्लास में और ओम संस्कृत में जिस धातु से बनता है अवरक्षण धातु से उसके उन्नीस अर्थ हैं धातु पाठ में महर्षि पाणिनि ने उन्नीस अर्थ दिए अवधातु के तो एक एक धातु से एक एक अर्थ निकलेगा उन्नीस सर, उन्नीस अर्थ हो जाएंगे और एक अवधातु के एक अर्थ में रख गति भी है और गति के भी तीन अर्थ सब जगह माने जाते हैं ज्ञान गमन और प्राप्ति तो इस प्रकार का उन्नीस और दो अतिरिक्त हो जाएंगे एक के स्थान पर तीन हो जाएगा तो इक्कीस अर्थ निकलेंगे ओम के और नौ अर्थ सत्याश में वो दिए हैं वो अलग है तो इक्कीस और नौ तीस अर्थ ओम के हो जाते हैं, इतने अर्थ किसी अन्य शब्द के नहीं होते व्याकरण से या किसी से भी तीस अर्थ ओम के हो रहे हैं वो अन्य किसी शब्द के किसी नाम के नहीं है क्या यही कारण है कि ओम निज ईश्वर का निज नाम है यह भी कारण नहीं है फिर कारण क्या है कारण यह कि इस ब्रह्मांड में ओम शब्द परावस्था में सबसे पहले उत्पन्न होता है और कहेंगे तो अव्यक्त अवस्था में यह अनादि और अनंत है शब्द भी सृष्टि उत्पत्ति होती है तो वो सक्रिय हो जाता है और वैसे अव्यक्त रहता है लेकिन ओम कभी मरता नहीं शब्द भी नहीं मरता क्यों नहीं मरता वैदिक रश्मि थ्योरी का यह सिद्धांत है कि जो पदार्थ इस ब्रह्मांड में जब भी उत्पन्न होता है उस समय उसका वाचक शब्द भी गूंज रहा होता है वो भी उत्पन्न होता है जैसे अग्नि अग्नि से अर्थ विद्युत भी ग्रहण करते हैं ऊष्मा भी है प्रकाश भी है तो अग्नि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब सबसे पहले बनी और इलेक्ट्रिक चार्ज भी सबसे पहले बना प्रकट हुआ ऊष्मा सबसे पहले बनी षमा तो इलेक्ट्रोमेनेटिव में आ गया उस समय अग्नि शब्द अवश्य उत्पन्न हुआ था परा और पश्यंती अवस्था में फिर बाद में मध्यमा तो अग्नि शब्द अमर नहीं है न तो चुंबक अमर है और अनादि अविना, है विद्युत है इसका भी कभी निर्माण हुआ है कि उत्पत्ति हुई है और कभी विनाश भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यह भी बनी है और नष्ट भी होंगी और दूसरा कोई शब्द ले इंद्र इंद्र का अर्थ होता है परम ऐश्वर्यवान और तीव्र विद्युत आदि देवी का अर्थ तीव्र विद्युत है तो तीव्र विद्युत जब उत्पन्न होती है तो उसमें इंद्र देवता वाले मंत्रों की उत्पत्ति होती है अग्नि और ये चुंबक वेव, इलेक्ट्रिक चार्ज जब उत्पन्न होते हैं तो अग्नि देवता वाले मंत्रों की उत्पत्ति होती है और उन मंत्रों में अग्नि भी होता है इंद्र देवता वाले में प्राय इंद्र भी होता है कभी कभी साइलेंट भी होता है ओम की उत्पत्ति किससे होती है ओम की उत्पत्ति ईश्वर से होती है और ओम वाचक ईश्वर का है ईश्वर अमर है ईश्वर अनादि है इसलिए ओम की उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं कहना चाहिए जहां ओम परावस्था उत्पन्न हुआ वह इसका अर्थ यही है कि वो प्रकट हुआ व्यक्त हुआ अव्यक्त अवस्था में वो सदैव रहता है इसलिए ओम ईश्वर का निज नाम है क्योंकि यही ध्वनि ऐसी है जो ईश्वर से ही उत्पन्न होती है इसकी परावस्था यह ध्वनि किसी अन्य पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकती इंद्र ईश्वर का भी नाम है लेकिन इंद्र अन्य पदार्थों का भी नाम तो उन पदार्थों की उत्पत्ति के समय भी इंद्र उत्पन्न होता है वहां से उसका प्रारंभ है लेकिन ओम किससे उत्पन्न होता है ओम नाम का कोई और पदार्थ नहीं है इसलिए ओम शब्द ईश्वर से उत्पन्न होता है इसलिए ओम ईश्वर का मुख्य और निज नाम है अब दूसरा एक और वैदिक रश्मि थ्योरी कहती है कि जो शब्द जिस भी मंत्र में है या जिस पदार्थ का है तो उस मंत्र के उस शब्द के बार बार आवृत्ति होने से वह पदार्थ प्रभावित होता है वेद विज्ञान आलोक में पढ़ेंगे तो अग्नि शब्द जिस मंत्र में अधिक होगा तो उस मंत्र से इस ब्रह्मांड में ऊर्जा में वृद्धि होगी इंद्र शब्द जिसमें अधिक बार आएगा तो उस मंत्र की आवृत्ति से उस रश्मि की आवृत्ति से उस वेव की आवृत्ति से इंद्र अर्थात तीक्ष्ण विद्युत ज्यादा उत्तेजित होगा समृद्ध होगा वाचक और वाच्य दो शब्द होते हैं वाचक है नाम जैसे आपका नाम है कोई भी चाहे वो गुणवाची हो जैसे अग्नि अग्नि का अर्थ व्याक, निरुक्त व्याकरण से अलग जो भी है वो होगा गौ है जैसे गौ तो गौ एक तो गौ शब्द है और एक गौ नाम का एक पदार्थ है प्राणी है गौ नाम का पदार्थ भी है किरणें भी है पृथ्वी भी है वाणी भी है सब गौ कहलाते तो गौ गऊ करेंगे गौ गऊ तो की आवृत्ति ब्रह्मांड होगी तो गऊ नाम के पदार्थ किरणे प्रभावित होंगी उससे प्रभावित होंगी एक्साइट होंगी उत्तेजित होंगी वैसे ही किसी भी पदार्थ का संबंध वाच्य और वाचक का संबंध नित्य होता है शब्द का और अर्थ का और यह संबंध ईश्वर ने बनाया वैदिक पदों तो ओम का जप का संबंध सीधा ईश्वर से ही होगा और किसी से नहीं होगा और बीच में कोई नहीं आता इसलिए ओम के जप का विधान है और किसी के जप का नहीं ऐसा नहीं कोई ओम नमे शिवाय बोलेंगे तो बुरा हो जाएगा वो भी अच्छा है नमस्कार मंत्र में अब ओम नमः शिवाय वो पौराणिक ओम नमः शिवाय बहुत शिव का स्वरूप सामने आ जाएगा तो अलग बात है हमारे जो हम ओम बोलते हैं ओम कहां से आता है वो ब्रह्मांड से आता है और उन्हीं शब्दों को ग्रहण करता है हमारा ओम की हम जो शब्द बोलते हैं शब्द नित्य हैं आकाश में भरे हुए और उन्हीं शब्दों को हम ग्रहण करते हैं जिसको ग्रहण करना चाहते हैं और उन्हीं शब्दों को ग्रहण करके हम बोल देते हैं जो बकरीम होता है यह शब्द नहीं हो तो हम बोल ही नहीं सकेंगे इसलिए भाषा की उत्पत्ति ईश्वर ने की है वो उस दिन पढ़ा था आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा विचारता आत्मा बुद्धि का सहयोग करके फिर मन को प्रेरित करके फिर वायु को ताड़ित करके शब्द को उत्पन्न करता है ध्वनि को उत्पन्न करता है और वो ध्वनि या बैखरी में बदलती है कंठ के द्वारा उस समय वाणी का रूप परा से उत्पन्न होकर के पश्चिंती और मध्यमा तक फिर कंठ उसको वैक्रीन बदलता है तो हम जो भी बोलते हैं वो इस अंतरिक्ष में है ब्रह्मांड में है और हमेशा जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ है उससे पहले भी शब्द था और वहीं से उसने सीखा ईश्वर की प्रेरणा से सीखा ये भाषा उत्पत्ति का वैदिक सिद्धांत है और उससे फिर दूसरी भाषा भी बनी है हाँ जी जैसे कह रहे हैं कि ओम में सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा नहीं ये नहीं कहा ओम में क्या ओम में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे उसके तीस अर्थ हैं तो तीस अर्थों का प्रभाव होगा उसके जब से लेकिन कैसे होगा अर्थ की भावना मैं एक बात करता हूं एक सबसे पहला अर्थ रक्षण है ओम का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला रक्षा करने वाला ये अर्थ तो हमने जान लिया पर क्या ऐसी भावना हमारी बनी ऐसी भावना बनी हमें जानते हैं कि भोजन करने से भूख मिटती है यह अर्थ सबको पता है लेकिन क्या भोजन किए बिना भूख मिट जाएगी केवल अर्थ पता होने से भावना नहीं बनी हम जानते हैं कांटा लगता है तो दर्द होता है पर भावना तभी बनती है जब अपने कांटा लगता है दूसरे के कांटा लगता है तो भावना नहीं बनती इसलिए दूसरे के दुख को देख करके कोई भी व्यक्ति उपहास कर सकता है व्यंग्य करते हैं और कोई हंसते भी है पता है दर्द हो रहा है लेकिन भावना नहीं बनी ओम का जब करते करते हमारे अंदर ये भावना नहीं बने कि वह हमारा रक्षक है और हमारे अंदर साहस पैदा ना हो तो इसका अर्थ हमारा जप ठीक नहीं है भले हम घंटों ध्यान कर रहे हैं नई नम छिंदी शस्त्राणी नई नम धाती पावा का हम बोलते हैं लेकिन जो इसको नहीं बोलते और आत्मा को हजारों बार नहीं भी मानते वे पीठ पर विस्फोटक बांध के चले आते मार जाते वो कोई नहीं डरते कोई भी उनको कोई भी भय नहीं होता जब होना यह चाहिए नैनम छिंदंती शस्त्राणी का पाठ करने वाला निर्भय होना चाहिए ओम का जब करने वाले का वाला निर्भय होना चाहिए वैसा नहीं है तो हमारा ये ध्यान जब ये सब बेकार और ये हम स्वयं प्रयोग करें कि इस जब से हम कितने निर्भय हुए हैं इस जब से हम कितने शांत हुए हैं जो निर्भय होगा वही शांत भी होगा भयभीत व्यक्ति अशांत रहेगा ऋषि दयानंद को जब कोई भयभीत करता था वो ये कहते थे एक मैं और एक मेरा ईश्वर तीसरा कोई नहीं जिसका मैं भय मानू कई भी भय नहीं हुआ चाहे वो ब्रह्मा जी के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर पूजा का खंडन करना हो या किसी नवाब की कोठी पर इस्लाम का खंडन करना हो या अंग्रेज अधिकारियों के सामने बाइबिल का खंडन करना हो वो कहते थे जिस घर में जाता हूं उसी की सफाई करना मेरा उद्देश्य रहता है ऐसा आपका है इसलिए जब हो नहीं रहा है पौराणिक जो गुरु मंत्र दिया करते हैं, वो तो कोई अर्थ उसका तो अर्थ भी नहीं होता हम जो जब किया करते हैं, उसका अर्थ भी होता है और बहुत अच्छा अर्थ होता है लेकिन वो भाव नहीं बन पाता ईश्वर को मानना और अनुभव करना दोनों अलग चीज है अगर आप ध्यान में बैठे और ध्यान में एकाग्रता बन गई तो आपने सोच लिया कि हमें ईश्वर ध्यान लग गया हमारा या समाधि लगी या ईश्वर का साक्षात्कार यह भ्रम हुआ अगर वास्तव में ऐसा हो तो तमेव विद्वान विवाह मृत्यु हो वेद तो ये कहता है उसको जानता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता अगर भय होता है तो या तो वेद मिथ्या है या फिर हम मिथ्या है। एक काम एक तो झूठ है लेकिन वेद मिथ्या नहीं हो सकता तो एक ही गुण रक्षक ऐसे कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं गति गति का अर्थ गमन करना पुरुषार्थ करना क्रियाशील होना अगर ओम का जब करने वाला आलसी है शुभ कार्य नहीं करना चाहता है इसका अर्थ जब ठीक नहीं हो रहा बहुत सारे अर्थों में अनेक अर्थ आए वे क्या हमारे अंदर ईश्वर का स्तुति का अर्थ यही है महर्षि ने स्तुति प्रार्थना उपासना जो तीन बताए हैं विवाह किए हैं ईश्वर की है, पूजा के स्तुति का अर्थ क्या बताया है कि उससे उसके गुणों का कीर्तन करना उससे क्या होगा उसके प्रति प्रीति होगी और उसके गुणों से अपने गुणों में सुधार लाना विचार करें एक ओम का जप करने वाला है एक नमाज पढ़ता है एक मंदिर में मूर्ति की पूजा करता है एक चर्च में जाके प्रार्थना करता है चारों व्यापारी है, या चारों गौर सरकारी कर्मचारी हैं या चारों मजदूर हैं कोई भी आजीविका कोई भी साधन है किसी का उन चारों की आजीविका कमाने में जो वो काम करते हैं व्यापार करें नौकरी करें मजदूरी करें कुछ भी करें उनका ढंग क्या अलग अलग है अगर उनका ढंग अलग नहीं है तो उनकी पूजा ठीक नहीं हो रही ओम का जप करने वाला सबसे अच्छा होना चाहिए ईमानदार होना चाहिए सत्यवादी होना चाहिए रक्षक ईश्वर को रक्षक माने और निर्भय होना चाहिए और दूसरों की रक्षा भी करने वाला होना चाहिए वो रक्षक तो हम भी रक्षा करें कल्पना करें हम ध्यान में बैठे और हमने लक्ष्य बनाया कि दो घंटे तक नहीं उठेंगे इतना जब करेंगे या फिर मन एकाग्र करेंगे चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे उसी समय हमारे कान में एक आवाज सुनाई देती है किसी के रोने की कोई दुखी की आर स्वर सुनाई देता है फिर हमारा क्या कर्तव्य है क्या हम ईश्वर का ध्यान करते रहे या आर स्वर को सुनकर के रक्षा करने के लिए दौड़े हां ऋषि दयानंद बैठे थे गंगा के किनारे आंख बंद थी एक माता आई और अपने बच्चे का शव लेकर के अपनी साड़ी से ढक करके और फेंका ही था कि उन्होंने आंखें खोली तो यह दृश्य देखा वो कफन भी वापस ले लिया था आप सबने पढ़ा होगा तो वो देश की स्थिति को देख करके उनकी आंखों में आंसू आए कोई कहेगा वो मुख्य लक्ष्य गए ईश्वर ईश्वर और इसमें लग गए सांसारिक उनसे पूछा पौराणिक साधु पूछते थे दयानंद ही सत्य उसमें लगो ये कोला क्यों करते हो तो उन्होंने कहा कि वह ब्रह्म कहां रहता है कि सब प्राणियों के आत्मा में रहता है सब प्राणियों के आत्मा में रहता है, क्या तुम्हें सब प्राणियों का सब प्राणियों के दुख का कुछ पता है क्या उनका हित चिंतन करते हो कि अपने पेट पूजा करते हो ब्रह्म का जब करते हो देखो कितने ही बच्चे भूखे हैं क्या उनकी चिंता करते उनमें भी ब्रह्म है ये दृष्टिकोण है योगी का ये दृष्टिकोण है ओम का जब करने वाले का यह दृष्टिकोण रहना चाहिए ऐसा नहीं हुआ तो इस जब से क्या लाभ है देखिए वेद के जो मंत्र हैं उसका मैं कई बार कहा कि तीन प्रकार के अर्थ होते हैं आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों अर्थों में क्या संगति है कोई कहेगा आदि दैविक छोड़िए हमें आध्यात्मिक ग्रहण करेंगे अध्यात्म कभी नहीं चल सकता दो, के, दो को छोड़ करके क्यों नहीं चल सकता आदिदैविक अर्थ क्या बताते हैं आदिदैविक अर्थ बताते हैं सृष्टि में क्या हो रहा है सृष्टि कैसे बनी है कैसे चल रही है दैविक सृष्टि को देखेंगे तो फिर श्रिष्टा का ध्यान अच्छा हुआ मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे उस समय कोई चर्चा कोई चित्र कोई विचार सृष्टि का ना आवे शरीर का नहीं आवे ब्रह्मांड के नहीं आवे पंच को सैन का नहीं आवे पंच महाभूतों का नहीं आवे किसी या मन बुद्धि चित अहंकार इनका किसी तो का नहीं आवे तो ईश्वर का जन्म कैसे हुआ संभव नहीं आदि दैविक के बिना आध्यात्मिक अर्थ समझा ही नहीं जा सकता और आदि दैविक जान करके सृष्टि को जान करके ईश्वर को जाने और ईश्वर को जान के करना क्या वो आदि भौतिक अर्थ बताता है आदि आदि भौतिक अर्थ लोक व्यवहार से संबंधित होता है आपने देखा होगा ऋषि दयानंद के वास में कहीं राजा के कर्तव्य कहीं प्रजा के कर्तव्य कहीं माता के कर्तव्य पिता के कर्तव्य आचार्य के कर्तव्य ये क्या? कहीं विद्वान के कर्तव्य ये क्या है ये आदि भौतिक अर्थ है क्या इन कर्तव्यों को छोड़ने से हम आध्यात्मिक बन सकते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसके आदि भौतिक जो भौतिक कर्म होंगे वो अच्छे होंगे ईमानदारी से पूर्ण होंगे पारदर्शी होंगे तो तीनों अर्थ हमारे जीवन में घटने चाहिए कोई भी एक अर्थ एकांगी है किसी काम का नहीं देखिए ओम की जो रश्मि है वो क्या करती है ब्रह्मांड में ओम की रश्मि के विषय में मांडूक उपनिषद का पहला मंत्र कहता है कि ये सारा जो दिखाई देता है या नहीं भी दिखाई देता है जो भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों में विद्यमान है वो सब कुछ ओमकार का ही विस्तार है और यान्य त्रिकालातीत तदप्योमकार जो तीनों कालों से बाहर है वह ओम का ही विस्तार है भूत भविष्य वर्तमान किसका होता है अविनाशी का होता अविनाशी का नहीं विनाशी का होता है लेकिन जो अविनाशी है उसका कोई भूत भविष्य त्रिकालातीत है जीवात्मा और परमात्मा वो कभी नए पुराने नहीं होते वास्त जीर्णा यथा विहाय नवान कृषाति नरो पुराणी तथा शरीर जीर्णाने नवान संयाति नवान दे तो ये तो कभी नए पुराने नहीं होते कभी जन्मते और मरते भी नहीं है तो ये तो त्रिकालातीत है शेष सब तीन कालों में फैला हुआ है प्रकृति भी त्रिकाल है लेकिन प्रकृति के बाद जो भी है प्रकृति का भी भूत भविष्य तो होता है क्योंकि प्रकृति विकृत होकर के बंद बिगड़ रही है लेकिन चेतन कभी किसी कालखंड में उसमें कोई विकार नहीं आता आत्मा बुरा है अच्छा है अच्छे कर्म कर रहा है बुरे कर्म कर रहा है लेकिन स्वयं में विकार कुछ नहीं आता उसके जो साधन है बुद्धि है मन है चित्त है इनमें विकार आएगा इंद्रियों में विकार आएगा शरीर में विकार आएगा लेकिन आत्मा का जो निज स्वरूप है वह विकृत कभी नहीं होता यद्यपि करता आत्मा ही है भोक्ता भी आत्मा ही है सुख दुख भी आत्मा के ही गुण है लेकिन फिर भी वो विकार नहीं आता उसके स्वरूप में कोई विकार नहीं आता और वैदिक रश्मि थ्योरी में यह भी आता है कि ओम एक ऐसी रश्मि है जो सारे पदार्थों को धागे की तरह जोड़े जैसे धागा मोतियों को जोड़ता है जितने भी मंत्र हैं, ब्रह्मांड में जो भी रश्मियां हैं, वो ओम की रश्मि के माध्यम से जुड़ी हुई हर ओम हर वैदिक छंद रश्मि के बीच में एक संधि है वह संधि ओम की आज हमारे इसी पर बहुत झगड़ा हो जाता है हमारे यहां आर्य समाज में भी कट्टरपंथी कोई कम नहीं है कुछ तो ऐसे है कि ओम हर मंत्र के आगे नहीं बोलना कुछ कहेंगे बोलना इसी में झगड़ा शुरू हो जाता है देखा आपने कई बार लेख भी छपते होंगे शास्त्र कोई शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करेंगे एक तो ऐसे कट्टरपंथी सन्यासी को हमने पढ़ा पत्रिकाओं में उड़ीसा में स्वामी परमानंद सरस्वती नाम था आज से पंद्रह बीस साल पहले आप भी लेख पढ़ते होंगे मैंने तो कहीं पढ़े उत्कल पाखंड खंडन मंच उन्होंने एक संस्था बनाई थी और संस्था बनाई वो गायत्री मंत्र के पीछे पड़ गए तो मंत्र ही नहीं है ये तो श्री राम शर्मा की देन है गायत्री परिवार ये मंत्र ही नहीं है वो भी आर्य समाजी सन्यासी कहा जा रहे हैं क्या हो गया हमको जो ऋषि दयानंद अपने हाथों से गायत्री मंत्र के जप का विधान करते थे और उसी विचारधारा में जन्म एक सन्यासी कहते हैं कि ये तो मंत्र ही नहीं पता नहीं वेद पढ़े कि नहीं पढ़े उन्होंने पर ऐसा कठोर खंडन मैंने तो कभी नहीं सुना किसी को नहीं सुना कोई भी ऐसा नहीं कह सकता गायत्री मंत्र मंत्र नहीं श्रीराम शर्मा ने तो चित्र बना दिया वो बात अलग है उसका खंडन करना चाहिए लेकिन मंत्र ही नहीं है वैसे ही अगर कोई 108 या 100 मंत्र का जाप करे आज तो हम क्या कहते पौराणिक बन गया है माला फिर जग वो ठीक है चाहे गिनती करो अथवा नहीं भी करो भाव नहीं बना तो बिना गिनती के जपोगे वो, वो भी बेकार है और गिनती करके जब वो भी बेकार है गिनती करके जपने वाले कोटा पूरा करते हैं जैसे कई फर्जी आंकड़े सरकारी भरे जाते हैं वैसे कि मैंने हजार जब कर लिया पांच सौ जब कर लिया जल्दी जल्दी बोलेंगे वो, वो अभी गलत है इससे तो शांति से बोला जाए लेकिन अर्थ और भावना नहीं बनेगी तो वो भी बेकार अब क्या पूछ रहे है कुछ पूछो इन हाँ इनका प्रश्न बहुत सही है अच्छा प्रश्न है कि किसी वेद मंत्र के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं तो कैसे जाने सबसे पहले कौन सा अर्थ जानेंगे मेरा मत तो है सबसे पहले आदिदैविक अर्थ ही जानेंगे क्योंकि आदिदैविक से संसार का पता चलेगा संसार का पता चलेगा तो ईश्वर का पता चलेगा और ईश्वर का जब दोनों का पता चल जाएगा तो उसके बीच में है फिर हम देखेंगे कि ईश्वर ने संसार को बनाया है तो हमारा संसार के प्रति क्या दायित्व है इस, इसलिए आदिदेवी कर सबसे पहले जिसकी उपेक्षा की जाती है उसको कहा जाता है भौतिकवादी है। अगर हमें यह ना पता रहे एक जिला कलेक्टर को यह नहीं मालूम हो कि वह जिला कलेक्टर है और जिले के सारे नागरिक उनकी रक्षा करना उसका दायित्व है तब तो, तब तो तक वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता उसको मालूम होना चाहिए कि जिला कलेक्टर उसको यह भी मालूम होना चाहिए जो जिले में बसते हैं वो मेरे द्वारा रक्षणीय है मुझे उनकी सुरक्षा देना उनके हित करना मेरा कर्तव्य है यह जब तक तो पता नहीं है तो जिला कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता वैसे ही संसार को जानना अगर हमने एक व्यक्ति बुद्धि ने मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ा भी बुद्धिमान हो सकता है इसमें कोई इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन एक व्यक्ति बुद्धि भी कम है उसके लिए बैलगाड़ी और बहुत बड़े फाइटर प्लेन है बहुत बड़े प्लेन है उनमें कोई अंतर नहीं है उसके लिए तो बैलगाड़ी को बनाने वाला एक मिस्त्री और बड़े उन्नत किस्म के विमान बनाने वाला जो इंजीनियर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है उसके लिए लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो उस प्लेन को जानता है कि वो प्लेन में क्या विशेषता है वो बैलगाड़ी से कैसे उन्नत है तो उसके लिए इंजीनियर बड़ा है और मिस्त्री के बजाय वो बड़ा है विचार नहीं करेंगे तो हमारे लिए ईश्वर का मूल्य भी बैलगाड़ी बनाने के वाले के बराबर हो जाएगा तो हम जानेंगे नहीं क्या है सूर्य क्या है चंद्र क्या है हमारा शरीर क्या है कैसे कार्य कर रहा यह सब जानकारी नहीं होगी तो ईश्वर की महिमा ईश्वर की महत्ता हमें विदित नहीं होगी और विदित नहीं होगी तो उसके प्रति श्रद्धा भी पैदा नहीं होगी श्रद्धा पैदा नहीं होगी उसके प्रति और उसके द्वारा उसका जप करने से हम निर्भय भी नहीं होंगे हमें शांति नहीं मिलेगी संसार को सृष्टि को न जानना ही बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग ईश्वर को जान के भी जब करते भी हवन करते भी संध्या करते भी न तो जीवन में संतोष आया न शांति आई न धैर्य आया और न प्राणीवाति प्रति प्रेम जगा न ईर्ष्या गई ना राग गया न द्वेष गया क्यों क्योंकि सृष्टि को नहीं जाना इसलिए सृष्टा का विशेष ज्ञान नहीं हुआ पता नहीं क्यों किस परंपरा को लेकर के या किसी ने व्यवसाय के रूप में बहुत सारे धर्माचार्य तो व्यवसाय बन गया ईश्वर ईश्वर पर उपदेश करना बहुत बढ़िया व्यवसाय है कुछ पढ़ना नहीं कितने भी गुरु बने भगवान भी बन गए उनमें से बहुत सारे कुछ तो व्यवसाय बन गया कुछ यश के लोग में करे कुछ परंपरा में कि हमारे पिता दादा करते हैं कुछ करें समाज सब कर रहे तो हम भी करते हैं ऐसा भी हो रहा है गीता में चार प्रकार के मित्र हैं चार प्रकार के भक्त उसमें सबसे जो बड़ा भक्त होता है वो ज्ञान के द्वारा भक्त बनता है वो सबसे बड़ा भक्त है वास्तविक भक्त है गीता में बहुत कुछ प्रक्षेप है लेकिन बहुत कुछ बहुत काम की बातें भी है तो ज्ञान से भक्त बनते हैं हम ईश्वर के ज्ञान से भक्त बने ज्ञान से भक्त बनेंगे तो, तो काम आएगा और यो ही सुन करके मान लेंगे तो कोई काम नहीं आएगा पढ़े भी हम पढ़ा भी बहुत जितनी पढ़ाई आर्य समाज में होती है उतनी किसी में नहीं होती वहां केवल सुन लेना मात्र है भागवत का एक शब्द भी हमारे कानों में पड़ जाए तो मुक्ति हो जाएगी ऐसी मान्यता है और ऐसी मान्यता आर्य समाज में कई नहीं है किसी की भी नहीं लेकिन फिर भी जैसे पढ़ना चाहिए जैसे सुनना चाहिए वैसा नहीं है क्योंकि ईश्वर के कार्य को नहीं जाना खो स्वयं वेद कहता है विष्णु कर्मापश्य पश्यत ये तो व्रता निपशप से इंद्र से यज्ञ सखा विष्णु के कर्मों को देखो तो विष्णु के कर्म क्या है विष्णु कर्म सृष्टि और सृष्टि हमने हेय बना दी और हेय बना दी तो हमारा ध्यय भी छूट गया ध्येय बनाया तो ईश्वर लेकिन ईश्वर क्या है जब ईश्वर क्या है यह नहीं पता लगेगा स्तुति नहीं होगी तो उसे प्रार्थना कैसे करनी और कैसे उपासना करनी तो ओम की रश्मियां सारे ब्रह्मांड को धागे के समान जोड़े हैं कैसे जोड़े दो एक छंद रश्मि उत्पन्न होगी और दूसरी होगी उसके बीच में ओम रश्मि आ जाएगी बीच में ज्वाइंट कर दे ओम रश्मि आके ज्वाइंट करेगी और वो रश्मियां उन पदार्थों को ज्वाइंट करेंगे दो रश्मिया ज्वाइंट होकर के और ज्यादा ज्वाइंट होकर के कण बनेंगे या फोटोन बनेंगे या और कुछ बनेगा तो सब में ओम समाया फिर सारे लोक लोकांतर ग्रेविटेशन फोर्स से बंधे हुए हैं और ग्रेविटेशन फोर्स दो प्रकार की रश्मियों के संयुक्त होने से बनता है बृहति रश्मि और पंक्ति रश्मि जो भी दो गुरुत्व बल में जुड़े होंगे दो पदार्थ उनके बीच में व्रैती और पंक्ति छंद रश्मियों का खेल चल रहा है विनिमय चल रहा है और उससे ग्रेविटोन पैदा हो रहा है और ओम भी है उसमें कोई भी रश्मि ओम में ना तो है ही नहीं तो इसका मतलब लोगों को बांधने में भी ओम सहायक है इसलिए तो मांडू कह रहा है कि सब कुछ ओमकार विस्तार है ओम का विस्तार है ऋषियों के शब्द हम केवल ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे अनुवाद कर लिया किसी अंग्रेजी के किसी गद्य काया पद्य का अनुवाद कर लिया वैसा नहीं है हमारे ऋषियों के ग्रंथ ऐसे नहीं है और वेद भी नहीं है वेद तो बिल्कुल भी नहीं अगर ऐसे ही करना हो तो देखिए आप महात्मा नारायण स्वामी जी के आपने उपनिषद भाषी पढ़े होंगे मांडव उपनिषद में उन्होंने ब्राह्मण का एक का दी है और उसका नीचे अनुवाद किया है कि भूलोक को तपाने से ऋग्वेद बनता है और अंतरिक्ष को तपाने से यजुर्वेद और द्व्यूलोक को तपाने से सामवेद ऋग्वेद को तपाने से भू और यजुर्वेद को तपाने से भू और सामवेद को तपाने से स्व और भू भू स्व तीनों को तपाने से भू को तपाने से अ भूव को तपाने से ओ और स्व को तपाने से मकार और तीनों मिलके ओम हुआ यह अनुवाद है इसका कुछ अर्थ समझ में पृथ्वी को तपाने से ऋग्वेद बन गया, गया का अर्थ क्या है इसका एक धर्मबंधु जी है बड़े प्रतिभाशाली है तो उन्होंने फोन किया कि इस अर्थ को न लिखते तो क्या फर्क पड़ता इससे कोई शिक्षा भी तो नहीं मिली तो मैंने कहा आप एक से घबरा गए मैंने तो पूरा ऐ तरीका भाष्य किया है गया। सब ऐसा ही है तरीका भाष्य तो ऐसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं है सम्झें। इनको समझे ऋग्वेद भूलोक तपाने से भूलोक तपाने से ऋग्वेद हुआ इसका अर्थ है कि भूलोक अच्छा मक्खन को तपाने से क्या बनता है घी बनता है इसका अर्थ क्या हुआ मक्खन में घी है पाने से अलग हुआ तो पृथ्वी लोक में रिग में रिग मंत्रों की संख्या अधिक है प्रधानता से अंतरिक्ष में स्पेस में यजुर्मंत्रों की संख्या अधिक है और ये प्रकाश के कण आ रहे हैं सूर्य आदि में साम वेद के साम रश्मि आदि शैली की दृष्टि से वेद तीन ही है ऋग साम और अथर्वेद में तीनों प्रकार के मंत्र हैं, तीनों शैलियों के मंत्र हैं। शैली की दृष्टि से वेद तीन है विषय की दृष्टि से चार है तो अगर कोई हमारी रश्मि थ्योरी को नहीं मानेगा हमसे पहले किसी ने रश्मि की बात नहीं की आपने नहीं सुना होगा पंडित भगवत दत्त जी ने कुछ संकेत किए बस बाकी तो हमने जब सबसे पहले लिखा तो हंसी उड़ाई गई लेख निकले परोपकारी मजाक बनाया गया कि रश्मि अगर रश्मि नहीं है तो बता दीजिए कैसे अर्थ बनेगा ऋग्वेद के तपाने से भू भु, भूलो के तपाने से ऋग्वेद बन गया और ऋग रश्मियों जहां ऋग रश्मियां ज्यादा होंगी वहां भू व्यारती भी अधिक वहां से उत्सर्जित होंगी तो उन सबको ओम जोड़े सबको तपाने से ओम अर्थात सबके अंदर ओम है इसलिए वो सबके तपाने से निकल रहा है रश्मिया भी है और ईश्वर भी है ईश्वर ही सब में व्यापक है इसका अर्थ क्या हुआ ओम सबको जोड़ने वाला है एक और पदार्थ होता जोड़ने वाला सूत्रात्म वायु लेकिन सूत्रत्म वायु को भी कोई जोड़ता तो ओम जोड़ता है तो क्या ईश्वर ओम के नाम का जप का फल या नहीं होना चाहिए कि हम भी सबको जोड़ने वाले बने तोड़ने वाले बने टूटते टूटते कितने हो गए क्यों हुआ ये सब सब तो ओम का जप करते शैव में कहेंगे ओम नमे शिवाय वैष्णव भी कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैन भी कहेंगे ओम नमो अरे अंताणम सब ओम ओम कहते रहे और फिर भी समाज टूट गया बिखर गया मानव समाज की बात कर रहा हूं क्यों हुआ क्यों ओमकार समझा नहीं ओम का विज्ञान समझा नहीं और ओम रश्मियों का भी विज्ञान नहीं समझा ईश्वर का भी नहीं समझा और ईश्वर से जो रश्मि और उत्पन्न होती है उनका भी नहीं समझा तो ओम जप सदर्थ भावन कैसे होगा पहले तो अर्थ ही नहीं समझा विज्ञान समझे फिर उसको वैसा अपना भाव बना भाव बनाना बहुत कठिन होता है बिना दर्द के दर्द का भाव अपने अंदर बना लेना कोई साधारण बात थोड़ी है दूसरे के दर्द से अपने अंदर भाव पैदा करना साधारण बात थोड़ी है तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पर कहे न जाना निज परिताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवय संत सुपुनीता संत का हृदय साधु का हृदय मक्खन से भी मुलायम होना चाहिए क्यों कि मक्खन तो अपने ताप से पिघलता है साधु दूसरे के ताप से पिघल जाता है एक निर्धन महिला के ताप से ऋषि पिघल गए और आंसू बहने लगे जो अपने कष्टों में कभी न रोए ईट फेंके पत्थर फेंके इतना हलाहल विष दिया तीस दिन बीमार रहे शरीर में रोम छाले भी थी कहीं जीवन में आया कि उनकी आंखों से आंसू निकले कभी नहीं निकले लेकिन भारत की दुर्दशा को देख करके रोने लगते थे रात में घूमने भ्रमण करने लगते थे तो वो दर्द हमें का है क्योंकि ओम का जप गायत्री का जप ध्यान नहीं किया वास्तव में जैसा होना चाहिए आदि देवी को करके संसार को जान करके सृष्टा को जाने और सृष्टा को जान करके बीच में हम अपने को अनुभव करें एक तरफ हमारे संसार है और एक और ईश्वर है बीच में हमें तो हमें क्या कैसे व्यवहार करना व्यक्तिगत तो उन्नति के लिए क्या करना समाज की उन्नति के लिए क्या करना आत्मिक उन्नति के क्या करना वैसा अगर नहीं हुआ तो हमारी कोई उन्नति नहीं होगी ऋषियों की एक एक बात बहुत गंभीर अर्थ रखती है हम उसे साधारण अर्थों में ले लेते हैं कौन व्यक्ति आध्यात्मिक इसकी पहचान कैसे हो एक तो वो ओम की तरह सबको जोड़ने वाला हो प्रीति करने वाला हो और दूसरा निर्भय हो अशांत नहीं हो और उससे वैरागी की बात करें वैरागी विवेक वैरागी षठ संपत्ति आदि जो मोक्ष के साधन है परिभाषा हमने ये गढ़ले के घर छोड़ दे परिवार छोड़ दे ऋषि दयानंद क्या कहते और महर्षि व्यास क्या कहते घर छोड़ के हम दूसरा घर बसा लेते हैं संस्था चलाना भी घर बसाने जैसा है और ज्यादा भारी पड़ता है अच्छा चलो संस्था चलाओ परोपकार के लिए उसमें लिप्त हो जाना उसमें पदों के लिए झगड़े होते हैं किंतु पता नहीं क्या क्या हो जाता है और कुछ तो ऐसे भी होते हैं संस्थाओं के नाम पर लूट भी मची कई जगह हमारे एक भागवत कराने वाले भागवत की कथा कराने वाले एक कमेटी होगी चंदा मांग लेंगे उसमें कुछ अपना भी काम चल जाएगा कुछ कथा भी हो जाएगी वैसे भी बहुत होते हैं ये सब क्यों हुआ क्योंकि इन कथा कराने वालों करने वालों सुनने वालों को ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं और विश्वास है तो ऐसा है कि उनको यह लगता है कि हम बेवकूफ बना देंगे ईश्वर को ईश्वर को मूर्ख बना देंगे उसके नाम का जब कर लेंगे वैसा भाव हम में नहीं होना चाहिए कि हम संध्या करके हवन करके ईश्वर को मूर्ख बना देंगे हवन से निश्चित वायुमंडल पवित्र होगा उसका पुण्य मिलेगा मैंने पहले भी कहा था लेकिन जो ईश्वर का, का नाम यज्ञ भी ईश्वर का नाम वह यज्ञ भाव त्याग का भाव संगतिकरण का भाव परोपकार का भाव अगर जीवन में नहीं आए तो उससे बहुत लाभ होने वाला नहीं है क्या कारण है कि धर्म भी बढ़ता जा रहा है और दुख की बढ़, दुख भी बढ़ता जा रहा है संसार में धारक मिले एक बात के समाप्त करता हूं आज से लगभग 25 वर्ष पहले मैं आर समाज भीन माल में रहता था शायद मैंने यह बात बताई कि नहीं बताई मुझे पता नहीं आर समाज के प्रधान मेरे पास किसी एक सेठ को लाए भीन माल में जैन बहुत है पैसा बहुत है। कि ये पचास हजार रुपए एक लाख रुपए देना है, चाहते हैं हॉल बनवाना है पच्चीस बन साल में एक लाख में बन जाता था एक बड़ा सा कमरा अच्छा सा तो मैंने उनसे पूछा आप क्या बिजनेस करते हैं तो उन्होंने आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देखा कई क्यों पूछ रहे हैं स्वामी जी मैं आपके कहने का आशय नहीं समझा तो मैंने कहा सेठ जी में आशय समझा देता हूँ बड़ा स्पष्ट मैं उस आर्य समाज में कोई पदाधिकारी नहीं था कोई सदस्य भी नहीं था अतिथि के रूप में रह रहा था लेकिन सम्मान की दृष्टि से वहाँ के प्रधान मेरे पास ले आए उनको बाकी तो वो अपना कर लेते दान ले लेते काम करवा देते मैंने कहा सेठ जी मैंने सुनाया कि यहाँ अधिकांश जैन मुंबई आदि नगरों में तस्करी करते हैं कोई भू चढ़ने भी चलाता है कोई वैशालय भी चलाता है फिर वो दान देकर भामाशाह बन जाता है उसका सब सम्मान करते हैं कई मंदिर बनवाता है कई धर्मशाला बनवाता है कई स्कूल बनवाता है हॉस्पिटल बनवाता है किसी संस्था को दान दे देता है मैं से दानी का दान नहीं ले सकता न उसका सम्मान कर सकता इसलिए पूछ रहा हूँ कहा व्यापार क्या है तो फिर उसने कहा कि स्वामी जी बोरा नहीं माते माने तो एक बात कहूं मैं कही क्या सभी संस्थाओं में ऐसा ही पैसा नहीं लगा मैं हाँ लगा है अब मैं सेठ जी आपसे प्रश्न कर रहा हूं उनकी आयु उस समय लोग तो ऐसी होगी साठ पैंसठ साल की साठ साल की होगी मैंने कहा आप छोटे थे उस समय मंदिर अच्छे बनते थे कि आज बनते हैं क्या आज बनते आज पैसा हमारे पास बहुत है पहले तो कोई राजा हुए बनवाता था या कोई बड़ा बहुत बड़ा सेठ साहूकार बनवाते थे पहले आपके यहां ज्यादा साधु होते थे कि आज होते हैं आज होते हैं पहले मेलों में भीड़ ज्यादा लगती है आज लगती है पहले कुंभ के मेले में भीड़ ज्यादा थी क्या आज होती है क्या वो होती है और पहले लोग सत्य बोलते थे कि आज बोलते हैं बोले पहले बोलते थे पहले ईमानदारी ज्यादा थी कि आज है कि पहले थी दया भावना भाईचारा पहले ज्यादा था कि आज है कि पहले था मैं धर्म घटा कि बढ़ा यही तो धर्म है ये मंदिर धर्म नहीं है बहुत सारी साधु और प्रचारकों की टोली धर्म नहीं है मेलों में संख्या बढ़ना धर्म का लक्षण नहीं है धर्म का लक्षण यह है सत्य है आहिंस प्रेम है भाईचारा है दया है करुणा है यह धर्म है ये बढ़ गया कि घट गया इसलिए घट गया कि असत्य अन्याय से पैसा कमाया हुआ साधुओं को दंड दिया साधुओं की भ्रष्ट हुई उसे मंदिर बनवाए और उनसे प्रचार करवाया किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका क्या क्या व्यापार है तो कहने का अर्थ क्या अगर हम धर्मो धर्म, धर्म चाह धार्मिक बनना चाहते हैं, तो धर्म तो आचरण का विषय धर्म के जितने भी लक्षण हैं भगवान मनु ने एक विलक्षण में यह नहीं कहा कि हम ध्यान कितना लगाते हैं यह धर्म का लक्षण नहीं ध्यान का परिणाम यह आना चाहिए कि हम सत्यवादी बन जाए अहिंसक बन जाए धैर्यवान बन जाए निर्भय बन जाए ऐसे बन जाए विद्वान बन जाए और नहीं बने तो कर्मकांड -कर्म आवरण है आवरण भी आवश्यक है कपड़े भी आवश्यक है लेकिन शरीर न हो तो कपड़ा कौन पहने? है कपड़े आवश्यक हैं और यह शरीर भी आत्मा के लिए आवश्यक है शरीर हो तो कर्म ही कैसे करेंगे कर्मकांड भी आवश्यक है कर्मकांड की मैं आलोचना नहीं कर रहा कर्मकांड आवश्यक है लेकिन शरीर में आत्मा न हो तो शरीर नहीं होगा तो बिना शरीर के आत्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन शरीर तो है आत्मा नहीं है तब वो तो गंध ही मारेगा इसलिए दैविक आध्यात्मिक आद और आदि भौतिक ये तीनों को लेकर के चलना प्रत्येक वैदिक का कर्तव्य है प्रत्येक कार्य का कर्तव्य है जिसके लिए कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म तीनों प्रकार के अर्थ और यही ओम का जब दैविक में हम देखें कि ईश्वर ने कैसा संसार चलाया कैसा बना रहा है कैसी ओम की रश्मिया क्या ब्रह्मांड में कर रही है आदि दैविक चिंतन हुआ और फिर वह ईश्वर के कितना महान है ये आध्यात्मिक चिंतन हुआ और उससे मेरा क्या संबंध है और फिर सब जीवों का वही तो वही तो जीवन दे रहा है तो सब जीवों के प्रति मेरा क्या व्यवहार रहे ये आदि भौतिक चिंतन है सब जीवों का करना सब जीवों के प्रति कर्तव्य सामान्य कर्तव्य है जो सबके लिए समान है फिर सब मनुष्यों के प्रति कर्तव्य क्या है वो हर मनुष्य का समान है और फिर उसके बाद कर्तव्य आते हैं राजा के प्रजा के माता के पिता के आचार्य के गुरु के शिष्य के ये कर्तव्य आते हैं तो धर्म मानव धर्म एक है लेकिन उसके बाद वर्ण का धर्म आश्रम का धर्म ये धर्म अलग है गुरु का धर्म शिष्य का धर्म पिता का धर्म पुत्र का धर्म पत्नी का धर्म पति का धर्म माता का धर्म ये अलग है लेकिन जिसमें मानव धर्म नहीं है फिर वो सारे धर्म बेकार हो जाएंगे और मानव धर्म सिखाएगा ओम का जप गायत्री का जप और किसी मंत्र का जप वेद सिखाएगा मानव धर्म वो मानव धर्म नहीं है तो सारे कर्तव्य हम भूल जाएंगे कोई भी कर्तव्य पता नहीं रहेगा और मानव धर्म बन गया मानव धर्म अपना लिया तो सारे धर्म हमारे सुधर जाएंगे इसलिए जो वास्तव में ईश्वर भक्त हो, होता है देश देशभक्त भी होगा वो समाज का भला करने वाला भी होगा वो प्राणी मात्र के का हित करने वाला भी होगा लेकिन जो ईश्वर भक्त नहीं होगा वो कोई वो देशभक्त ईमानदार हो ही नहीं सकता वो किसी समाज परिवार का भला कर ही नहीं सकता क्योंकि ईश्वर का धर्म ईश्वर की भक्ति ईश्वर का चिंतन और ईश्वर को जानना यह सबसे मौलिक कर्तव्य है और उस मौलिक कर्तव्य से दूसरे गौण कर्तव्य न शोध रहे तो ईश्वर का जो मौलिक कर्तव्य है वो भी बेकार हो जाता है क्योंकि जिस जड़ जड़ है और ऊपर से सब काट दिया जाए तो जड़ क्या जल फल नहीं देगी जड़ फल भी तो आने चाहिए फल की उपयोगता प्यों है मुख्य तो फल है खाना तो जड़ ही रहेगी समाज को छोड़ दिया परिवार को छोड़ दिया प्राणियों का हित छोड़ दिया तो ईश्वर भक्ति किसी काम की नहीं है वो जड़ है लेकिन इन सब का तालमेल से ही इन सब के समन्वय से वृक्ष बनता है और वृक्ष ये संसारिक वृक्ष ही है और वृक्ष पर हम बैठे और हम फल खा रहे जड़ में पानी कोई और दे रहा है और हम केवल फल खा रहे हैं तो पानी देने वाले का भी भला सोचे या उसकी उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और दूसरे भी हमारे जैसे फल खाने वाले प्राणी हैं उनके प्रति भी हम सोचें कि जड़ पानी देने वाला बीज बोने वाला ईश्वर सबके लिए वृक्ष दिया है ये संसार सबका है साझा परिवार है हमारा ये तो वैदिक आदर्श है कोई कहे गई तो आदर्श की बातें हर जमाने में नहीं चलती काल कभी अच्छा बुरा नहीं होता है हम कितना कर पाए अलग है हमारी अपनी अपनी सामर्थ्य अपनी अपनी है लेकिन हमें सम्मुख तो आदर्श ही रखना चाहिए आदर्श सम्मुख नहीं रहेगा तो फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे थोड़ा करके ही धर्म के कारण भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए अच्छाई जितनी हम ले सके जितना ग्रहण कर सके जीवन को जितना बदल सके उतना प्रयास होना चाहिए ईश्वर हम सबको शक्ति दे ओम शम हाँ हम ऐतरे ब्राह्मण